Hey guys, welcome back to our channel. So it's the second and final day of our stay at Oblu Experience Alafushi. सुबह के बज रहे हैं 8 और हमने सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए रिजॉर्ट को. सो हम निकल पड़े बीच विला की तरफ. ये है वाटर विलास जहाँ पे हमने स्टे किया है और इसी के पास में ही बीच विलास है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का बीच कितना सुंदर और कितना शांत है. यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है. और ये आप देख रहे हैं बीच के सामने ही बीच विलास हैं और यहाँ हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी. काफ़ी सुंदर पिक्स आए हैं. सो फोटोज़ क्लिक करने के बाद अब हम जा रहे हैं ड्रोन फ्लाई करने के लिए. हमने इसकी परमिशन मैनेजमेंट टीम से पहले ही ली थी. उन्होंने वाटर विला की साइड में ड्रोन फ्लाई करने के लिए मना किया था बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज़. लेकिन कॉमन एरिया में हम ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं. तो हमने ड्रोन फ्लाई किया और ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर. हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं. अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. धूप बहुत तेज़ हो गई है और भूख भी लगने लगी है. चलिए चलते हैं उसी रेस्टोरेंट जहां हम कल गए थे. कल तो डिनर के टाइम पे बहुत सारे आइटम थे खाने के. आज भी देखते हैं क्या बना है. ये है यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेट्स. यहाँ पर मिल्क है, फुल क्रीम, टोन. यहाँ पर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स. ये हेल्दी ऑप्शन है. हॉट ओट मील. ये हनी भी रखा हुआ है. जिनको शुगर नहीं डालना वो हनी डाल सकते हैं. ये है बेक्ड बीन्स, कुछ राजमा टाइप का लग रहा है. और ये है टमाटो, ग्रिल्ड टमाटो विद हर्ब्स. ये तो बहुत ही कम बचे हैं. आई थिंक ये काफ़ी टेस्टी है, तभी ख़त्म हो गए. ये है मशरूम्स का. और ये है हैश ब्राउन पोटैटो. वेज ऑप्शंस हैं सारे. इसके बाद लगा हुआ है ब्रेड का सेक्शन. डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड, वाइट ब्राउन बंस भी रखे हुए हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड्स भी हैं. तो जिसको मॉर्निंग में ब्रेड बटर खाना हो या जैम खाना हो वो यहाँ पे आ सकता है. और हर टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, अवेलेबल हैं. एशियन कुजिन का एक अलग से सेक्शन भी रखा हुआ है.
जहाँ पे फ्राइड नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन ये सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे लाइव काउंटर भी दिया हुआ है, किसी को अगर कस्टमाइज़ करवाना हो तो यहाँ शेफ से बोलकर वो कस्टमाइज़ करा सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत फ्रेंडली हैं। सरप्राइजिंगली हमने यहाँ पर पूरी और आलू की सब्ज़ी भी देखी, और यहाँ पर जितने भी इंडियन टूरिस्ट हमें दिखाई दिए वो ज़्यादातर पूरी और आलू की सब्ज़ी खा रहे थे। और मैंने खाया पूरी, अचार, टिक्की और पोंगल, साथ में जूस। फिर ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकले हैं रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू देखने, जो कि रात को उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। और फिर हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन भी किए। उसके बाद हम पहुँच गए पूल साइड, और डेली एक्टिविटीज़ में एक पूल साइड एक्सरसाइज एक्टिविटी भी होती है, जो कि इंस्ट्रक्टर हमें एक्सरसाइज के स्टेप्स बता रहे थे। ये एक फन एक्टिविटी भी थी और काफ़ी मज़ा भी आया। अब हम जा रहे हैं अपने वाटर विला की तरफ। आज हमारा इस रिज़ॉर्ट में लास्ट डे है, तो अब हम जाएंगे, पैकिंग करेंगे और रेडी होंगे यहाँ से निकलने के लिए। ऐसे लग रहा है। हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है, और अब बस जाने से पहले हम थोड़े और वीडियोस, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, बेसिकली मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं।
सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू अला खुशी। वो एक कहावत है ना कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हमें भी यहाँ से जाना होगा। मालदीव्स को और बेहतर करीब से जानने के लिए हमें अपना सफ़र आगे बढ़ाना है। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें जाना है। सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारा पैकेज ऑल इंक्लूसिव था यहाँ, और इसमें हमें स्पीड बोट ट्रांसफ़र भी इंक्लूडेड था, यानी कि हमें एक भी डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। ओबलू वालों की हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब मैनेज किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा लगेज भी ये लोग हमारे वाटर विला से यहाँ तक ले आए थे, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। गुड बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।